जी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, थोड़ी देर में हम स्टार्ट करते हैं, सभी लोग एक बार जुड़ जाएं। एक मिनट के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग शीट निकाल कर रखें, ठीक है। शीट का डिस्कशन पहले होगा। गुड मॉर्निंग माधव, करिश्मा, सौरभ, पूजा, गुड मॉर्निंग। सो एनर्जी के साथ और फुल एंथुसियाज्म के साथ आज शीट डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और देन कैपेसिटेंस। गुड मॉर्निंग रामम, मुस्कान, गुड मॉर्निंग कृष्णा, गुड मॉर्निंग आयुषी। चलो ठीक है, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल वंस अगेन। ठीक, विद फुल एनर्जी एंड एफिशिएंसी शीट का डिस्कशन हम करेंगे, पहले मेंस के क्वेश्चंस। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग शीट निकाल लें, और 10 सेकंड्स का मैं टाइम दे रहा हूं आपको, अपनी शीट निकाल लें और डाउट्स हम देखना चालू करेंगे लाइन बाय लाइन। तो ठीक है, तो डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले मैं शीट शेयर करूंगा आपको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं शीट का डिस्कशन। तो मुझे क्वेश्चंस आप लिखवाओ, कहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे, कहां तक हमने डिस्कस कर लिए थे ये कमेंट करके बताओ मुझे, और देन फिर हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 30 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, 29 तक। चलिए तो 29 से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। 29 to 40, 30th question, ठीक, और 30th के बाद ध्रुव, 30th मैंने लिख लिया, देन 31 जतिन, ठीक है, और लिख लिया आयुष, मैंने 31 लिख लिया है, 33 सान्या लिख लिया, देन 32 भी आ रहा है माधव, लिख लिया, ठीक है, और बताओ 36 35 सब आ रहे, मतलब 10 क्वेश्चन में 10 ही पूछोगे, 40 भी आ गया। लिख लिया मैंने रामम 40, 39 भी हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 39 भी आ गया, 8 क्वेश्चन आ गए 10 क्वेश्चन में से, क्या हो रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 30th क्वेश्चन से। तो मैं पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए। गुड मॉर्निंग एचजी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। जिस तरह से डाउट पूछ रहे हैं ना, इनका बस चलेगा तो आप सिर्फ इसमें से, जैसे अभी मैं सुबह स्काई सर भी क्लास लेते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, ये डाउट मैं नहीं बताऊंगा, ये पूछने लायक ही नहीं। इनमें से कुछ डाउट्स ऐसे होंगे इनके जो बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट के होंगे। जी जी जी, तो हमें तो ये भी देखना है कि नंबर ऑफ लेक्चर हमारे लिमिटेड है, और जो लोग जिस तरह से डाउट पूछेंगे तो इन्होंने ऐसे पूरा 31 से 40 हर बच्चे एक पूछ लेगा, तो ये तो मतलब, और जो बच्चे ना जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो ऐसा लगेगा कि वो पास बिल्कुल खराब जा रही है, कि उसका वास्तव में 2 क्वेश्चन इस 10 क्वेश्चन में ऐसे होंगे जो वास्तव में डाउट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। तो मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन इनमें से जो डिस्कस करने लायक होंगे ना। हाँ, बाकी आप तो डिस्कशन करेंगे, बाकी सब तो ऐसे। हाँ, बाकी इन लोगों को पता लगना चाहिए कि इसका मतलब बाकी लोग पढ़ नहीं रहे हैं या फिर लेक्चर कभी ध्यान से देख ही नहीं रहे, सिर्फ पूछ रहे हैं कि मैं क्लास में मौजूद हूँ कुछ तो करके दिखाऊं, डाउट ही पूछ लेता हूँ। सही है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर, चलो देखते हैं, 30, 31, 32 और 33, तो निकालता हूं मैं शीट। एक मिनट रुको जरा, शायद स्क्रीन शेयरिंग बंद है। तो मैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन शेयरिंग ऑन करनी है क्या? हाँ सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए एक बार, मैं करता हूं, हो गया, आप देखिए। ठीक है, तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें,
ठीक है। तो 30th क्वेश्चन है ये वाला। तो कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल एक एक लाइन के हैं, तो वो मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। 30th क्वेश्चन ठीक है, जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। दिस इज 31 एंड दिस इज 13। ओके, तो चलो अभी 30th क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले देखते हैं 31 जो इस पेज पर दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो एलईडी वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, इसलिए हम 31 क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है ये ईएम वेव में आएगा, तो 12th का ही सिलेबस है, लास्ट चैप्टर रहता है तुम्हारा ईएम वेव, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 31 अभी के लिए लीड कर दो। 32 क्वेश्चन, 32th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और रेडियस है आर, पोटेंशियल वी नॉट दे रखा है उन्होंने सरफेस पर। तो फॉर दिस स्फीयर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें ये पोटेंशियल्स बताने हैं कि कौन कौन सी रेडियस पर होंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 32th क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें सिर्फ पोटेंशियल इन साइड द स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। 32th क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्कस कर रहा हूं बहुत शॉर्ट टाइम में, जरा देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। 32 क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दे दिया है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यहां पर अगर हम पोटेंशियल निकाले किसी भी इनसाइड पॉइंट पर, तो हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर। क्यू इज द टोटल चार्ज और आर इज द रेडियस एंड पोटेंशियल है जो आर डिस्टेंस पर है। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से, और पोटेंशियल आउटसाइड द पॉइंट कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, इन दोनों फॉर्मूले की मदद से जो जो पोटेंशियल्स पूछे गए हैं, लाइक अगर 3V0/2 पूछा है तो V नॉट क्या दे रखा है उन्होंने, सरफेस का पोटेंशियल, तो ये उसने गिवन है। और अब जितने भी उसने पोटेंशियल्स पूछे हैं इनसाइड आउटसाइड, इन दोनों का फॉर्मूला यूज करके हम ये करस्पोंडिंग आर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए दोनों चीजें, और ये फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल देंगे, स्मॉल आर, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कराऊंगा, सिर्फ यही फॉर्मूले यूज करने हैं और कुछ भी नहीं। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 35। तो 33 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कराना चाहूंगा। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन 33 पढ़ लो। क्वेश्चन 33 क्या दिया हुआ है, दो शेल है और एक पे चार्ज क्यू दे दिया है, एक की रेडियस ए है और दूसरी है बी। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी दी हुई है, सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है क्यू, और चार्ज डेंसिटी दी हुई है दैट इज रो इक्वल टू ए बाई आर कूलम पर मीटर क्यू, और ये चार्ज डेंसिटी इसमें भरी हुई है, ठीक है। तो सभी लोग फिगर बना लो अच्छे से। ए कांस्टेंट है, द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजंस विल बी कांस्टेंट। चलो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो देखो क्वेश्चन ये है कि दो शेल है ए और बी, बीच में कोई चार्ज भर दिया है जिसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है ए बाई आर, और ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द रीजन यूनिफॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी रीजन ले लूं, सपोज मैंने यहाँ पर आर डिस्टेंस पर जाके एक शेल बना लिया,
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं इधर निकालूंगा तो ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप ए पर निकालो या बी पर निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, सेम। क्योंकि सर क्वेश्चन में दे दिया है कि ई कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो हम गॉसियन सरफेस की मदद से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो देखते हैं जरा। तो अप्लाई द गॉस लॉ, जब गॉस लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ है, कंडक्टिंग स्फीयर्स है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस को अगर हम देखें तो दैट इज मॉड ई, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्यू एनक्लोज हमें निकालना होगा। और क्यू एनक्लोज हम कैसे निकालेंगे, क्यू एनक्लोज के लिए हमें अलग प्रोसीजर अपनाना होगा। क्यू एनक्लोज के लिए हमें कहां से चालू करना है, ए से और आर तक जाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स रेडियस की एक स्फीयर मानूंगा, एक शेल, और इसमें शेल में निकालूंगा चार्ज, और फिर शेल को इंटीग्रेट करूंगा मैं। देखो जरा, ये एक्स रेडियस की हमने शेल मान ली जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी डीएक्स, और अब इसको इंटीग्रेट करूंगा ए से आर तक टोटल चार्ज के लिए, क्योंकि टोटल चार्ज मेरा कौन सा होगा जो इस रीजन के अंदर आ रहा है। तो मुझे पहले ये टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या माननी पड़ेगी, शेल थिकनेस dx की। तो मैं क्या निकालूंगा इसमें से चार्ज, अगर देखता हूं dq, तो dq मिलेगा मुझे 4 पाई x स्क्वायर इंटू dx और इंटू चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी कितनी है a by r, तो चार्ज डेंसिटी को लिख दूंगा मैं a by x, और यहां से अब मैं निकाल रहा हूं चार्ज, तो इंटीग्रेट करूंगा dq को, और कहां तक इंटीग्रेट करूंगा इसको मैं 4 पाई एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं ए से लेकर आर तक, जिससे मेरा चार्ज आ जाएगा कहां से कहां तक, ए से आर तक का। तो ये आ गया 4 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये मेरे पास चार्ज आ गया, ठीक है। और अब ये जो चार्ज आया है यही कौन सा चार्ज है, एनक्लोज्ड, इस एनक्लोज्ड चार्ज को मैं यहां रख दूंगा। सर हाँ बताओ। सर एनक्लोज्ड में कैपिटल क्यू भी तो आएगा जो सेंटर पे है। बिल्कुल आएगा, ये चार्ज भी आएगा और साथ में प्लस क्यू भी आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक क्यू चार्ज यहां पर भी रखा, तो क्यू एनक्लोज हो जाएगा कैपिटल क्यू के साथ ये पूरा। तो पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी से, और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर ये क्वेश्चन। देखो जरा, क्वेश्चन में था कि हमें यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियस के इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी रेडियस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट का क्या मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पर जाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, जिसके कारण हमें ये चार्ज देखना होगा कि कितना एनक्लोज हो गया है। तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो गया, क्यू, और ये वाला पूरा। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ए से एक्स तक का, ये हम कैसे निकाल रहे हैं, एक शेल लेके जिसकी थिकनेस कितनी है डीएक्स और चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई, देन हम इसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज एनक्लोज निकाल रहे हैं जिसमें हमने क्यू को भी इंक्लूड कर लिया। अब ये टोटल चार्ज एनक्लोज हम इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा जरा देख लेते हैं। यहां जब पुट करेंगे तो हमारा जो फील्ड बन रहा है वो बनेगा E, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज की जगह रखेंगे ये पूरा 4 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू, ठीक है, एंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो यहां से हमारी निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो निकलेगी 4 पाई ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर।
और अब इसको क्या करना है कि अगर E कांस्टेंट है तो dE by dr क्या होना चाहिए, जीरो। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। या फिर आप दूसरी कंडीशन भी लगा सकते हो, दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब हम मैग्नीट्यूड देखेंगे एट r इक्वल टू a, वो किसके बराबर आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ e एट r इक्वल टू b। या तो ये कंडीशन लगा लेना या ये कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन जब लगा लोगे तो फाइनल आंसर आ जाए। तो मैं इसको यहां छोड़ रहा हूं, बाकी सारी चीजें आप पर है, डिफरेंशिएट करना वगैरह ये सारी चीजें आप एक बार करके देखना, आंसर आ जाए। नोट डाउन कर लो इसको, थोड़ा सा हिंट ले लो बस, बाकी फिर तुम्हें ही करना है। तो 5 सेकंड्स मैं आपको दे रहा हूं। हाँ अगर ये कंडक्टिंग होती तो मतलब उसके अंदर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कंडक्टिंग अगर होती और अंदर अगर कुछ चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वरना नहीं होती। मतलब हम मानेंगे अगर अंदर चार्ज ये होता कि अगर ये पूरी कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना चाहिए। जीरो मानेंगे उस सेल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब जो जो बाउंड्रीज है वो। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था कि जो मीडियम भरा गया है तो इसके कारण ये क्या हो गया है, नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि कंडक्टर अगर मीडियम होता तो चार्ज ही नहीं आता, चार्ज नहीं आता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, जीरो होती। अगर सर हम ऐसे देखें कि इसी पे कंडक्टिंग पे गॉसियन सरफेस बनाए तो उसके अंदर अंदर चार्ज क्यों आ जाएगा उस गॉसियन सरफेस के अंदर, नहीं आएगा। अगर तुम कंडक्टर के अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे यहाँ क्यू है तो यहाँ पर भी माइनस क्यू आएगा, पर चूंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग में इंड्यूस नहीं होगा चार्ज, यहाँ कोई इंड्यूस नहीं होने वाला, इंड्यूस चार्ज जीरो होगा। ओके सर, थैंक यू सर। बात समझ में आ गई अभिषेक? यस सर। ठीक है, तो कंडक्टर में इंड्यूस हो जाता है, नॉन कंडक्टर में इंड्यूस नहीं होगा। हटा रहा हूं मैं इन चीजों को, ठीक है, देखता हूं हर्ष, एक मिनट रुको जरा। तो ये था क्वेश्चन 33, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 34। चलो कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही देख लेंगे फटाफट से। तो ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 के बाद, दैट इज 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 कंसेंट्रिक मेटलिक शीट्स दी हुई है, अच्छा शेल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, द पोटेंशियल ऑफ द शेल बी। यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटीज दी गई हैं, पोटेंशियल्स बताना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हमें निकालना होगा। तो चलो देख लो एक बार फटाफट से, बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, देखो हमें निकालना है द पोटेंशियल ऑफ द शेल बी। क्वेश्चन है यहां सिग्मा दिया है या माइनस सिग्मा या प्लस सिग्मा, हमें पोटेंशियल चाहिए बी शेल का कितना होगा। तो बहुत आसान है, इस पे अगर चार्ज क्यू वन है इस पर इधर माइनस क्यू वन आ जाएगा, यहाँ क्यू टू मान लो तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू टू, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस क्यू थ्री। और अब आप चार्जेस के फॉर्म में पोटेंशियल तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, तो अगर चार्जेस के फॉर्म में पोटेंशियल निकाल सकते हो तो जो Q1 है उसको क्या लिख लोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर। Q2 को क्या लिख लोगे, मतलब टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें सेकंड वाले पर अगर माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा कैसे बनी है, माइनस सिग्मा बनी है Q2 माइनस Q1 इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, सॉरी डिवाइड बाय 4 पाई, ये तो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और डिवाइड बाय 4 पाई बी स्क्वायर,
ये बना माइनस सिग्मा, ये क्यू वन, ये माइनस क्यू वन, ये क्यू टू, देन ये माइनस क्यू टू, और इसको अगर मैं प्लस क्यू थ्री बोल रहा हूँ तो अब यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है दैट इज सिग्मा, तो प्लस सिग्मा को क्या लिखना होगा हमें, क्यू थ्री माइनस क्यू टू डिवाइड बाई फोर पाई सी स्क्वायर। तो आई थिंक ये चीज तुम मिस कर रहे होगे कि तुमने दोनों दोनों चार्जेस नहीं लिए, बल्कि यहां लेना होंगे हमें दोनों चार्जेस। अगर ये प्लस का है तो यहां माइनस का इंड्यूस होगा, फिर मैंने इधर प्लस का क्यू टू मान लिया तो यहां माइनस का क्यू टू होगा, फिर मैंने यहां प्लस का क्यू थ्री मान लिया। और अब मैं पोटेंशियल एट द सेल बी तो लिख ही सकता हूं इन सारे चार्जेस की मदद से, बस अब चार्जेस की जगह सिग्मा के फॉर्म में हमें यहां से पुट करने होंगी सारी वैल्यूज, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 5 सेकंड्स दे रहा हूं। ठीक है, चलो हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन अभी नहीं करना है आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, आप पढ़ाइए किसी के, सभी को आवाज आ रही है। और ये इंडिविजुअल है ना, मत बोलिए कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर इंडिविजुअल बोल रहा है तो इसका मतलब उसका प्रॉब्लम है, कृष्णा का कि सभी का प्रॉब्लम है कि ना सभी लोगों को आवाज नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पे लाइन दो, मुझे पता है कि किसको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, प्रॉब्लम होती मैं खुद ही कहीं ना कहीं एड्रेस कर देता सर को। और जिसको आवाज नहीं आ रही है जो उसका प्रॉब्लम है, उसका इशू है। प्लीज क्लास को इस तरह की डिस्टर्ब मत कीजिए सर, आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, 36th क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक का है, तो अभी नहीं करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है जो कि यहाँ दिख रहा है, तो वो नहीं करना है अभी, ठीक है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन, ठीक है। सभी लोग पढ़ लो जल्दी से, 40th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम बना के उसको समझाऊंगा। That is a most important question जो यहाँ पर दिख रहा है हमें 40th। तो बना लो सभी लोग एक बार उसका डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी डेट इज ए बाई आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू आर बाई ए, एंड क्यू इज द टोटल चार्ज। ठीक है, रेडियस है स्पेयर की आर, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो हमें कैपिटल आर ही बताना है। तो देखो एक स्पेयर है, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ प्रद्युम। कुछ नहीं सर, माइक ऑफ हो गया था। अच्छा चलो, अब जरा देखो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो ये टोटल चार्ज मैं निकाल कैसे सकता हूँ। मुझे टोटल चार्ज निकालने के लिए पहले मुझे एक एक्स रेडियस पे जाके डीएक्स थिकनेस का क्या मानना होगा, शेल, और मुझे इसमें देखना होगा टोटल चार्ज कितना है। तो ये डी क्यू अगर मैं इसमें मान लेता हूँ चार्ज, तो ये हो जाएगा रो इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और पूरे चार्ज के लिए मुझे करना होगा इसको इंटीग्रेट। कहां से कहां तक,
जीरो से आर तक, लेकिन बस अब ध्यान रखना होगा मैं ये जो डेंसिटी दी है जैसे ही इसमें पुट करोगे तो देखो क्यू क्या मिलने वाला है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जो हम क्यू ले रहे हैं जीरो से आर, इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो देखो ए बाई एक्स स्क्वायर, आर की जगह एक्स रख रहा हूं, और ई टू दी पावर माइनस टू एक्स अपॉन ए इंटू फोर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया यहां से यहां, और अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखो फोर पाई ये बाहर, जीरो से आर ई टू दी पावर माइनस टू एक्स वाई ए, और ये बन गया टोटल चार्ज कितना क्यू, और अब ये इंटीग्रेशन बचा है बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए करना e to the power minus 2x upon a divided by minus 2 by a, और जीरो से r तक लिमिट रखेंगे और ये मिल जाएगा हमें टोटल चार्ज q, तो अब जब यहां से इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलने वाला है 4 पाई a, ठीक है माइनस 2 अपॉन ए तो 2 से 2 गया तो ये बचा 2 पाई a, और ठीक है जीरो से आर जब तुम रखोगे तो e टू दी पावर माइनस टू आर बाई ए और माइनस वन, और एक आएगा माइनस साइन नीचे वाला और एक ए ऊपर आएगा, ये बनेगा टोटल चार्ज क्यू के बराबर, और अब हम यहां से लॉग लेकर सारी चीजें निकाल सकते हैं, तो देखो e टू दी पावर सीधे सीधे मैं माइनस टू आर बाई ए लिखना चाहूंगा तो कितना लिखूंगा, यहां से देखो ये बनेगा q अपॉन टू पाई a इंटू ए, ठीक है माइनस साइन और प्लस वन हो जाएगा ये माइनस साइन के साथ, और अब मैं क्या कर दूंगा लॉग ले लूंगा दोनों तरफ, टेक लॉग बोथ द साइड, और यहां से अब आंसर आ जाए, लॉग लेना सभी को आता है, हमें क्या निकालना है कैपिटल R, तो जब लॉग लेंगे तो ये बनेगा 2r by a और ये पूरा पूरा का टर्म लॉग के अंदर, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, 5 सेकंड्स में यहां दे रहा हूं, हिंट ले लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में सिर्फ फिजिक्स, हाँ मुस्कान बताओ सर, इसमें क्वेश्चन सरफेस इनसाइड लिया है, क्वेश्चन सरफेस इनसाइड लिया है हमने, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सरफेस की जरूरत नहीं थी ना, सिर्फ हमें रेडियस निकालनी थी, तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन सरफेस, ये एक एलिमेंट लिया है हमने, इस शेल का एक्स डिस्टेंस पर जाके एक एलिमेंट लिया है, और इस एलिमेंट के अंदर का हमने चार्ज देखा है डी क्यू, और फिर उसको किया है इंटीग्रेट, मुस्कान क्लियर है, यस सर, तो यहां गॉसियन सरफेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, सिर्फ हमें रेडियस निकालनी है, तो हटा रहा हूं मैं इन चीजों को, अब आगे बढ़ते हैं 40 to 50, कमेंट करके बताओ 41, लिख लिया अजय मोहन, लिख लिया मैंने 45 हो गया, 42 लिख लिया मैंने, 49 वैष्णवी, चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं, 44 भी आ रहा है चिन्मय का, ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं 41, तो मैं बना रहा हूं जल्दी से, आप भी बना लो 41 एक बार पढ़ लो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो 41 अच्छे से पढ़ लो, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं,
surface charge densities are equal to one another, the total potential at a distance r from their common center, where r is less than it. Okay. एक बार डायग्राम बना लेंगे इसका. तीन शेल है, Q is distributed over three concentric spherical shells of radii ABC. In total charge Q दे दिया है, such that surface charge densities are equal. तो अगर इस पर मैं Q1 चार्ज बना लेता हूँ, इस पर Q2 और इस पर Q3. The total potential at a point at a distance r from the center where r is less than a. यानी r a से भी छोटा है. तो r कहीं यहां है और a ये. तो r जो है वो पहले वाले शेल के अंदर. चलो देखो इधर, अगर हम पहले वाले शेल पर Q1 चार्ज मान लें, दूसरे वाले पे Q2, इस पे Q3, तो इस Q1 की वजह से यहां क्या आएगा, माइनस Q1 और ये है प्लस Q1. ठीक है, ये माइनस Q1, तो इस वाले पे अगर हम मान लें कि भाई प्लस का Q2 है, तो ये पॉजिटिव का अगर हम मान लेते हैं तो यहां क्या बनेगा, माइनस का Q2 और यहां मान लिया हमने प्लस का Q3. सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज अगर इक्वल है तो हम अगर सिग्मा ऑफ ए लिखना चाहें तो वो आएगा कितना, Q1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर. और सिग्मा बी अगर लिखना चाहे, देखो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी, एंड सिग्मा बी किसके बराबर होगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर. और इसी तरीके से ये भी सिग्मा सी के बराबर होगा, तो सिग्मा सी कितना होगा, Q3 माइनस Q2 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर. और अब अगर हम लिखना चाहें पोटेंशियल एट इनसाइड ए, पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, ये मैं पी पॉइंट लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे हम के क्यू वन बाई ए माइनस के क्यू वन बाई बी. ठीक है, फिर आएगा प्लस के क्यू टू बाई बी माइनस के क्यू टू बाई सी एंड प्लस के क्यू थ्री बाई सी. और जरा ध्यान से देखो, एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक तो ये इंफॉर्मेशन दी है और एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, टोटल चार्ज जो होना चाहिए वो क्यू होना चाहिए. तो टोटल चार्ज अगर हम क्यू लिख रहे हैं तो देखो, क्यू वन से माइनस क्यू वन गया, क्यू टू से माइनस क्यू टू गया, तो क्यू थ्री कितना बचा अकेला, कैपिटल क्यू के बराबर. तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, क्यू थ्री जो होना चाहिए वो कैपिटल क्यू के बराबर होना चाहिए. अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी तीन इक्वेशन हम यहां से बना लेंगे. ठीक है, देखो अगर हम Q2 Q1 के फॉर्म में इन दोनों से देखें तो हम Q2 को Q1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशनों से हम फिर Q3 को Q2 के फॉर्म में लिख सकते हैं. यानी हमारा Q2 जो है वो Q3 के फॉर्म में आ जाएगा, इसी तरीके से Q1 Q3 के फॉर्म में आ जाएगा, और Q3 खुद कैसा है, कैपिटल Q के फॉर्म. तो हमारे पास सारी चीजें मिल जाएंगी, Q1 भी मिल जाएगा, Q2 भी मिल जाएगा और Q3 भी मिल जाएगा, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Q. और यहां से हम पोटेंशियल निकाल देंगे एट द पॉइंट P का. कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते. और अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ चार्जेस को उठाकर पुट करने हैं इसमें. ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए, और ये पोटेंशियल्स लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है.
तो किसी को अगर इस चीज में डाउट है तो पूछ लो, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ 5 सेकंड्स, और जिसको नोट करना है वो नोट कर ले। मेटेलिक शेल्स है ये मेंशन नहीं है, कंडक्टिंग शेल्स दिए हैं, जरा देख लेते हैं। ओके, तो मेटेलिक शेल्स अगर नहीं दिए हैं तो इंड्यूस नहीं होगा फिर, अगर मेटेलिक शेल्स नहीं दिए हैं तो इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये मेटेलिक शेल्स के लिए है, सारी चीजें मेटेलिक शेल्स के लिए, और अगर मेटेलिक शेल नहीं दिया होता तो आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। चलो, अगर मेटेलिक शेल नहीं दिया जाता, नॉट मेटेलिक, तो देखो क्या होता, नॉट मेटेलिक के केस में तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो यहां पर Q1 मान लेंगे तो कोई इंड्यूस नहीं होगा, यहां इंड्यूस जीरो होगा, लेकिन यहां Q2 मान लेंगे इंड्यूस जीरो होगा, लेकिन यहां Q3 मानना होगा। ये रेडियस ए बी एंड देन रेडियस सी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज अगर बराबर है तो Q1 अपॉन 4πa² दैट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4πb² एंड दैट इज इक्वल टू Q3 अपॉन 4πc² सारी सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर। एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, दूसरी इंफॉर्मेशन कैपिटल क्यू के बराबर, और अब हमें अगर पोटेंशियल किसी अंदर वाले पॉइंट पर चाहिए तो वो आएगा के क्यू वन बाई ए प्लस के क्यू टू बाई बी एंड प्लस के क्यू थ्री बाई सी। और अब यहां से हम सारी चीजें एक दूसरे के फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो ये जो केस है दिस इज नॉन मेटेलिक केस, तो आप दोनों चीज नोट डाउन कर लो, मेटल के केस में ये बनेगा, नॉन मेटेलिक के केस में, क्वेश्चन में शायद नॉन मेटेलिक दिया हुआ है तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये करें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि देखो मेटेलिक केस अगर नहीं है तो इंड्यूस नहीं होने वाला, तो इंड्यूस चार्ज यहां जीरो मानेंगे। यहां मैं रुका हुआ हूं 5 सेकंड्स, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। Q1 को Q3 के फॉर्म में लिख लो, Q2 को Q3 के फॉर्म में, तो Q3 आ जाएगा, और एक बार अगर Q3 आ गया तो Q2 और Q1 ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, सब जगह रख देना पोटेंशियल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दैट इज 41, और अब हम देखेंगे 42। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए प्रोड्यूस द सेम पोटेंशियल। ओके, तो दो डाइपोल्स दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट पर, दोनों के बीच का सेपरेशन है आर, ठीक है, और डाइपोल मूमेंट्स दिए गए हैं, इसका दिया गया है -4 क्यू ए आई कैप, ठीक है, तो इस तरफ ये डाइपोल है और बी पर जो डाइपोल दिया गया है दैट इज -2 क्यू ए आई कैप। तो पोटेंशियल बताना है कि कहां पर सेम होना चाहिए,
तो मैं यहां से x डिस्टेंस मान लेता हूं और ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी r माइनस एक्स। मैंने मान लिया p पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो अब क्या दिक्कत आ रही है, इस डायपोल की मदद से यहाँ पोटेंशियल और इस डायपोल की मदद से यहाँ पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर? के क्यू, क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? फॉर्मूला ड्यू टू पोटेंशियल माइनस टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, के क्यू अपॉन मतलब के पी अपॉन एक्स स्क्वायर शॉर्ट डाइपोल की मदद से एट एक्सियल, ये पढ़ा था हमने। अब देखो ए की वजह से पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू बी की वजह से पोटेंशियल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रखना है, तो बराबर रखना है तो बस सिंपल है, तो के पोटेंशियल एट ए डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू के पोटेंशियल डाइपोल मोमेंट ऑफ बी डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस यहां से एक्स आ जाएगा, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। लास्ट 5 सेकंड्स इस क्वेश्चन के लिए। चलो तो ये होता है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये था 42 और अब हम आते हैं 45 पर। ठीक, तो देखते हैं 45 क्वेश्चन। नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल दिया है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा हिंट देकर छोड़ रहा हूं, जिसको नहीं आया ये क्वेश्चन आना चाहिए था। क्यू प्लस क्यू, द चार्जेस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टाइजेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो तीन चार्जेस हैं, वो मिसप्रिंट हुआ है वहां पर, क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है हमें और ये जीरो होनी चाहिए, तो क्यू का कितना मैग्नीट्यूड आएगा? ये तो क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, ये एनर्जी जीरो होनी चाहिए इस पूरे सिस्टम की, तो एनर्जी लिखना हम जानते हैं, एक इसका पेयर बनेगा और एक इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, तो के क्यू क्यू, अगर मैं ये बी ले लू ये सी ले लू, तो के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू क्यू अपॉन सी एंड प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन बी, एंड इसकी एनर्जी को क्या करना है, जीरो। और राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है तो बी इक्वल टू ए हो गया, तो सी कितना हो जाएगा, रूट टू ए। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर देना, तो यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 3 सेकंड दे रहा हूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए, आना ही चाहिए था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। डाइपोल मूवमेंट्स के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 49 क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, एक माइनस क्यू, एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, एक प्लस क्यू, तो प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू का एक डाइपोल मूवमेंट बना और एक डाइपोल मूवमेंट ये बना, दोनों ही डाइपोल मूवमेंट बराबर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। सर ये 49 डिग्री मूवमेंट्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सर हाँ, आप 48 बता रहे हैं। 48 यस सर। 49 देखना है हमें, चलो देखते हैं 49।
49 क्वेश्चन जो है दैट इज 49 वाला जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी का क्वेश्चन, तो वो अभी हम करेंगे कैपेसिटर। तो ये चीज अभी आपको नहीं करना है, 49 वाला आपको करना है बाद में, तो अभी मत करो। सर 44th क्वेश्चन रह गया, तो 44th, चलो 44 देख लो एक बार। Four equal point charges are placed in the system. The work required to put a fifth charge. Okay, so Q at the origin of the coordinate system. चलो देखो जरा क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं पहले। Four equal point charges हैं जो कि XY plane में रखे हुए। एक्स वाई प्लेन बना लो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में जब रखे हुए हैं तो एक रखा हुआ है 0.2 पर और दूसरा रखा हुआ है 4.2, तो ये हो गया 4.2 पॉइंट। तीसरा है 4.-2, तो कहीं नीचे है 4.-2। ये एक्स वाई प्लेन बन रहा है और दूसरा होगा एंड 0.-2, तो ये हो गया 0.-2। एक ये हो गया, एक ये और एक ये वाला, इन दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है दैट इज 4। ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, यानी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज क्यू एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन है यहां पर, यहां पर हमें क्यू चार्ज लाना है, कहां से? इंफिनिटी से। तो बताना है कि कितना वर्क डन होगा। चलो देखते हैं, ये सिस्टम बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं हम, जिसने क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है वो देख रहे हैं हम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। चलो बताओ जरा इसमें क्या दिक्कत आ रही है। सर ये 5-6 बार सॉल्व किया, इसका आंसर नहीं आ रहा मेरा, मतलब मिस्टेक पकड़ नहीं आ रही, इसमें क्या कर रहा हूँ? तो मैं यहां पर एक क्यू चार्ज रखकर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम सिस्टम की निकालोगे तो तुम्हें पेयर्स बनाने होंगे। कौन कौन से पेयर्स बनेंगे यहां पर, वो सोचने की बात है। तो सबसे पहले पेयर अगर तुम नहीं बना रहे तो तुम ऐसा करो, यहां का पोटेंशियल निकालो, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। इस P पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम देखें तो एक ये Q चार्ज है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन तीनों चारों की वजह से यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देख लो। ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये 4 है, दिस इज 2, तो ये कितना हो जाएगा 2² + 4² इसी तरीके से ये भी आ गया √2² + 4² तो अगर मैं इसकी वजह से लिखता हूं तो लिखूंगा KQ/2, इसकी वजह से लिखूंगा तो लिखूंगा KQ/2, इसकी वजह से लिखूंगा तो लिखूंगा KQ/√20 प्लस इसकी वजह से लिखूंगा तो लिखूंगा KQ/√20। ये बना मेरा पोटेंशियल एट द पॉइंट P, और अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P चाहिए, तो मैं VP×Q करूंगा क्योंकि ये Q यहां रखा। तो मेरे को मिल रही पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट पी। वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द इंफिनिटी। इंफिनिटी की कितनी होगी? 0।
तो सिर्फ आपको ये सॉल्व करके इनटू क्यू कर देना है, आंसर आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, थैंक यू सर। ये किया था सर, सेम किया था, मिस्टेक ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर है। चलो अगर नहीं आए तो फिर पूछ लेना बाद में, लेकिन करना यही है, यहाँ का पोटेंशियल निकालो सारे चार्जेस की मदद से और इनटू क्यू कर दो। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन। A load of mass M is suspended from a steel wire. This. Okay, so Searle's experiment. A load of mass M kg is suspended from the steel wire in Searle's experiment. Increase in length produced in the wire दे दिया है. Load is fully submerged कर दी है. Relative density दे दी. ये question जो है, 50th वाला question. ये question है किसका? यंग्स मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 50? चलो एक मिनट रुको जरा, दो मिनट में आ रहा हूं वापस।
चलो तो ब्रेक हो गया काफी देर का, ठीक है, थोड़े इश्यूज थे। एम आई ऑडिबल, क्लियरली विजिबल? यस सर, बट इन द बिगनिंग योर स्क्रीन वाज हैंग बिफोर। अब सही है? हाँ सर। चलो तो हम थे क्वेश्चन नंबर 50 पे, बहुत परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 50 ये हम देख रहे थे, लेकिन ये अभी हमें नहीं करना है, ठीक है। हम अब क्वेश्चंस थोड़ी देर होल्ड पर डालते हैं, बीच आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी कुछ पढ़ लेते हैं आगे, जिससे कि तुम्हें एक होमवर्क मिलता रहे, ठीक है, और डिस्कशन भी हम पर क्लासेस करते रहेंगे बीच बीच, ठीक है। तो आगे के लिए अभी डिस्कशन होल्ड पर डालते हैं, अभी हम कुछ पढ़ना चालू करते हैं। तो अभी हमने डिस्कशन कर लिया है क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है, ठीक है। 50 तक कोई डाउट्स तो नहीं बचे हैं, पहले एकदम क्लियर कर लो। मैं 5 सेकंड्स रुका हुआ हूं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स लिमिटेड है, तो डाउट्स अगर 10 क्वेश्चन में से 8 होंगे तो फिर 8 की 8 हम एकदम डिटेल्ड तो नहीं देख सकते, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की थीम दे सके। वैष्णवी 30th वाला मैं देख लूंगा फिर बताता हूँ तुम्हें अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो 30th क्वेश्चन मैंने देख लिया है कि ये हम डिस्कस करना है, तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की हम थीम, कम से कम कंसेप्ट तो देख सके। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट जरूर देख सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जो चल रहा था, डाइइलेक्ट्रिक हमने पढ़ लिया था, और डाइइलेक्ट्रिक के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। तो दिस इज द हेडिंग ऑफ टुडेस लेक्चर। हाँ, एक होमवर्क क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बाद में, सारे क्वेश्चंस अब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुछ नया पढ़ेंगे जिसके बेसिस पर तुम्हें कुछ होमवर्क मिल पाए। तो कैपेसिटेंस हेडिंग डालेंगे, और कैपेसिटेंस के बारे में जानेंगे कि ये आखिर होता क्या है। तो कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है जरा ध्यान से देख, मैं अगर कोई कंडक्टर ले लेता हूं, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टर पे अगर मैं चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं, चार्ज में इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो यहां सब जगह चार्ज इकट्ठा होता जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जहां की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, सपोज यहाँ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो यहाँ चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे चार्ज हम देते जा रहे हैं, ठीक है, चार्ज अगर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो इस सरफेस की क्या बढ़ने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जा रही है। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि सपोज करो मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज यहां लाता हूं इसके सरफेस के पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका अमाउंट ज्यादा है और ज्यादा हो जाएगा अगर मैं क्यू दे दूंगा, तो क्यू मैं देता जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और ज्यादा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट अगर ज्यादा होता जाएगा तो इस जगह का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज। ये बात समझ में आ रही है सभी को? पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन टू कैरी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट सरफेस। तो अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जा रही है तो हमें ज्यादा वर्क डन करना होगा, और जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतनी ही ज्यादा इस सरफेस की क्या होगी, पोटेंशियल। यानी अगर हम चार्ज देते जा रहे हैं तो जितना ज्यादा चार्ज देंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल हमें मिलेगा, तो दैट इज अ पोटेंशियल, ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू सी इंटू वी, वेयर सी इज
proportionality constant called as capacitance, called as capacitance. ठीक है, तो यहां पर हम इस C को बोल रहे हैं capacitance. तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल किसी सरफेस का, और अगर हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो दिस इज द कैपेसिटेंस जो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ, एंड इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो जरा ध्यान से देखो, अब मैं ये जो सी है इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो पहले ये चीज समझ लो और इसको नोट डाउन करो. हेडिंग डालेंगे कैपेसिटेंस, ये फिगर बनाएंगे और ये सारी चीजें लिख लेंगे. टाइम दे रहा हूं मैं आपको 20 सेकेंड. किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. सर इस केस में पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां चार्ज भी ज्यादा कलेक्ट हो गया है, और सरफेस इक्विपोटेंशियल भी रहना चाहिए. तो ये तीनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं? क्यों नहीं हो रही है? जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर की तरफ बढ़ रही है. तो अगर मैं कोई भी 1 यूनिट कूलम चार्ज लाऊंगा तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोज करना होगा, यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्कडन करना होगा, मेरी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम. और एनर्जी पर यूनिट कूलम चार्ज ही क्या होता है? पोटेंशियल. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी किसकी वजह से? क्यू की वजह से. तो जरा ध्यान से देखो, क्यू बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो मुझे वर्कडन ज्यादा करना पड़ा, वर्कडन ज्यादा करना पड़ा तो पोटेंशियल ज्यादा हो गया. सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड. चलो हटा रहा हूं मैं इन चीजों को, और अब मैं इस सी के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि हम इस सी को डिफाइन कैसे करें. तो जरा ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस दैट इज डिनोटेड बाय द सी, ये है क्या? तो बाय मैथमेटिकल definition, by mathematically q is equal to cv, so c is equal to q by v. ठीक है, q हो गया कूलम और ये हो गया वोल्ट. यानी हम कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस. तो जरा देखो ध्यान से, इस कैपेसिटेंस को हमने कैसे डिफाइन किया? चार्ज पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सपोज करो कैपेसिटेंस को डिफाइन कर, कैपेसिटेंस मींस द अमाउंट ऑफ द चार्ज required, the amount of the charge required on the conductor for creating 1 unit potential difference. तो अगर हम पर यूनिट वोल्टेज डिफरेंस, तो देखो जरा, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 1 यूनिट वोल्टेज डिफरेंस. तो C क्या है? ये वो है दैट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फॉर क्रिएटिंग 1 यूनिट वोल्टेज डिफरेंस, दैट इज अ कैपेसिटेंस. ठीक है, ये कैपेसिटेंस है. और यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो, ये तो हो गया कूलम और ये हो गया वोल्ट. ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, ये क्या है? इज फेराड. ठीक है, इज फेराड.
एंड फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट. नोट करो इसको. नोट करने के लिए टाइम दे रहा हूं मैं 15 seconds. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. तो ये वो क्वांटिटी है जो किसी कंडक्टर पे चार्ज और वोल्टेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताती है. बता रहा हूं मैं इस चीज को. हाँ फैराड बिल्कुल ऐसा यूनिट इज फैराड. ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं. ये हमने कैपेसिटेंस डिफाइन किया है और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं. जरा देखो ध्यान से. सपोज करो ये कंडक्टर है. क्या है? कंडक्टर. और इस पर मैं चार्ज देता जा रहा हूं तो सबसे ज्यादा चार्ज यहां इकट्ठा हो गया क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. और इस तरीके से चार्ज. अब जरा ध्यान से देखो सबसे जल्दी चार्ज का जो लीकेज होगा वो यहां सबसे जल्दी होगा. ऑकर्स फर्स्ट फ्रॉम हेयर. ऑकर्स फर्स्ट फ्रॉम हेयर. तो अगर इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं आर ले लेता हूं तो बात क्या होनी चाहिए. जरा देखो कैपेसिटेंस means capacity. Capacitance means capacity to hold the charge. ठीक है to hold the maximum charge. By the conductor. ठीक है or the system. Capacitance means capacity to hold the maximum charge by the conductor या फिर system. और ये जो capacity है जो maximum charge कितना store कर सकती है वो किस पर depend करेगी. इस radius of curvature पर depend करनी चाहिए या नहीं ये मैं आपसे पूछूंगा. comment करके बताओ क्या ये radius of curvature पर depend करनी चाहिए या नहीं. करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए जरा देखो ध्यान से समझने वाली बात. सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो यहां होगी. सबसे ज्यादा यहां पर लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. लार्जेस्ट. ठीक है तो अगर मैं यहां का ये जो रीजन है अगर मैं इसी रीजन को कंसंट्रेट करूं और मुझे ये पता है कि इसी रीजन पर डिपेंड करेगा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज रख सकते हैं. तो अगर हम Q max की बात करें तो Q max जो डिसाइड किसकी मदद से होगा इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से. तो Q max जो है विल बी डिसाइडेड बाय दिस रीजन. और इस रीजन का अगर हम पोटेंशियल वी ले लेते हैं सपोज यहां का पोटेंशियल अगर हम वी मिनिमम ले लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की मैक्सिमम होगी. ठीक है तो मैं अगर यहां का पोटेंशियल सपोज करो यहां का पोटेंशियल अगर मैंने वी ले लिया दैट इज द पोटेंशियल इज वी.
तो ये क्यू में एक्स किसके बराबर होगा, सी इंटू वी के बराबर। जैसे ही यहां पर वी पोटेंशियल आ गया और जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गई, इसके बाद क्या होगा, चार्ज लीक होना चालू हो जाए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है, और वो वी हमें मैक्सिमम चार्ज डिफाइन करने में मदद करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा चार्ज हम नहीं दे सकते। तो ये जो क्यू मैक्स के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे हमें और चार्ज देना होगा, और जैसे ही हम और चार्ज देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लीकेज होने लगेगा चार्ज का, क्योंकि एयर जो है या फिर जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो यहाँ ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन अगर हो गया तो आप चार्ज स्टोर नहीं कर रहे हो, फिर आप चार्ज लीक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि आप मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हो, और ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इस चीज की आपको याद रखना होगा कि Q max डाइलेक्ट्रिक पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो नोट डाउन कर लो और हेडिंग लिख लेना, मैक्सिमम चार्ज किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। वैक्यूम में, बिल्कुल हाँ, वैक्यूम मतलब क्या, वैक्यूम का अगर हम बात करें तो वैसे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम वन ही लेते हैं, एक तरीके से एयर ही लेते हैं, पर अगर वैक्यूम नहीं है, सॉरी वैक्यूम अगर है तो फिर कोई ब्रेकडाउन ही नहीं मिलने वाला। तो एक्चुअल में हम उस केस की बात ही नहीं कर सकते, सर, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या फिर एयर, इन सभी का डायलेक्ट्रिक, इन सभी का डायलेक्ट्रिक, सर हाँ, सर ये मतलब वैक्यूम में जब उसका ब्रेकडाउन होने ही नहीं वाला तो मतलब इसका मतलब ये है कि चार्ज ले जा सकते हैं, बिल्कुल देते रहो चार्ज तो इनफाइनाइट आएगा, ब्रेकडाउन ही नहीं होने वाला। लेकिन एक बात बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जो एयर होती है, जैसे अगर हम वैक्यूम की बात करें तो तुम ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, लेकिन अगर एयर हो गया तो एयर एयर नहीं रहती है, एयर प्लाज्मा बन जाती है। यस सर, सर क्यू मैक्स जो है वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल तो करेगा, कैसी डिपेंडेंसी है, इनवर्स से डायरेक्ट, अभी हम देखेंगे उनको, ड्राइव करेंगे हम सारी चीजों को, अभी ड्राइव करते हैं, बता रहा हूँ मैं इसको। सर ये मतलब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस उसका ज्यादा हो गया तो वहां पे ब्रेकडाउन, हाँ वहां पर ब्रेकडाउन हो जाएगा, बिल्कुल, तो एक लिमिट होगी। मतलब तो ये है ना कि उस पॉइंट उस रीजन में कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है वो डिसाइड करेगा कि हम चार्ज कितना दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तुम या तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर चार्ज बढ़ा सकते हो या फिर तुम चार्ज बढ़ाकर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रोकेगा मतलब जैसे ब्रेकडाउन किस पे डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, ब्रेकडाउन डिपेंड करेगा जो तुम्हारा जो मीडियम है उसके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, कि भाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी झेल सकता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर जिसके बाद ब्रेकडाउन होना चालू हो जाए, तो वो किस पर डिपेंड करती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। कैसे करेगी अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले। तो देखो जरा, ये तो रही कैपेसिटेंस की जो कहानी थी,
कि भाई कैपेसिटेंस होता क्या है, तो ये होता है कैपेसिटेंस, दैट इज द मैक्सिमम स्टोरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है कैपेसिटेंस, और डायरेक्टली मतलब दैट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम इसके बारे में और बात करें तो कैपेसिटेंस किसका होता है, कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है कैपेसिटर, हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है तो ये देखते हैं हम सबसे पहले। चलो तो बात करते हैं कैपेसिटर, तो जरा देखते हैं, एक प्लेट ले लेता हूं मैं या फिर एक कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप का, और इस पर मैं चार्ज दे देता हूं क्यू, ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज अ कंडक्टर, तो इसका मैंने ए नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं इन्फिनिटी से देखूंगा यहां पर तो मुझे यहां का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नजर आएगा, तो मैं अगर इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखूं तो कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होने वाला है, ये कैपेसिटेंस जो कि मैंने सी मान लिया, ये कितना होगा क्यू बाय वी, ये मेरा कैपेसिटेंस हो गया इस कंडक्टर। वी क्या है, दैट इज अ पोटेंशियल। अब ये हो गया सी कब, जब ये कंडक्टर था, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से होते हुए कहां जा रही है, इंफिनिटी पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, यहां वी एट इंफिनिटी कितना है भाई, जीरो, और यहां का तो जाके कुछ हो गया वी। तो अगर मैं ये कैपेसिटेंस निकालना चाहूं तो मुझे निकालना होगा वी एट सरफेस माइनस वी एट इंफिनिटी, दिस इज पोटेंशियल एट द सरफेस, जिसको हमने वी मान लिया। तो अब मुझे ये निकालना, तब मैं निकाल पाऊंगा इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस। तो जरा देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस हम कहां से कहां तक निकाल रहे हैं, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। एक बार और देख लो जरा, एक कंडक्टर था जिसको हमने ए नाम दिया, हमने क्यू चार्ज दे दिया, इस क्यू चार्ज के देने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई सब जगह, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया इन्फिनिटी और सरफेस के बीच, उसको लिख लिया हमने वी एट सरफेस माइनस वी एट इन्फिनिटी। तो मैं अगर v at सरफेस माइनस v at इंफिनिटी निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, माइनस डॉट b, इक्वेशन हो गई मेरी कहां, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल हो गई इंफिनिटी और फाइनल हो गई सरफेस। ये चीज मुझे निकालने को मजबूर करेगी क्या, क्या कर सकता, तो मुझे इन दोनों चीजों को यूज करना होगा अगर मैं एक कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं इस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या क्या है, एक इंफिनिटी है और एक कंडक्टर, तो हेडिंग डालेंगे जरा कैपेसिटर, ठीक है, और पहले हम हेडिंग डालेंगे कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर इसके अंदर हेडिंग डालें और ये नोट डाउन करें, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो मैं कैपेसिटेंस की ही डेफिनेशन का यूज कर रहा हूं इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। कैपेसिटर अभी आएगा समझ में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कैपेसिटर क्या होता है वो हम यहां से समझने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। क्यू कौन सा चार्ज है जो हमने दिया, सर हाँ, ये जो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड कंडक्टर, ये तो मतलब किसी मतलब मीडियम के रिस्पेक्ट में ही तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ही तो निकालेंगे ना,
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने एप्सिलॉन मान लिया। तो देखो कैपेसिटेंस किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, कैपेसिटेंस रेशो होता है क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, तो ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है। अब जरा देखो मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं आपको, जैसे मुझे निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर हैविंग चार्ज, आइसोलेटेड स्फीयर हैविंग चार्ज, ठीक है, तो मैं कंडक्टर ले लेता हूं, इसको कंडक्टर है, तो एक स्फीयर ले लिया मैंने जिस पर मैंने q चार्ज मान लिया और ये इसका सेंटर, ये इंफिनिटी, इस पर मैंने q चार्ज माना है, इसकी रेडियस कितनी है r। तो अब अगर मैं इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं, टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस, c इक्वल्स टू q डिवाइड बाय पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट द इंफिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो यहां जा रही है सरफेस से इंफिनिटी की तरफ, सरफेस से इंफिनिटी की तरफ, तो अगर मैं v एट सरफेस माइनस v एट इंफिनिटी निकालूंगा तो मुझे करना होगा e डॉट dr इंफिनिटी से लेकर r तक, तो मैं e जानता हूं लिखना, किसी भी r डिस्टेंस पर जो मेरी e होगी, यहाँ E कितनी होगी भाई, K Q by R square, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसी R डिस्टेंस, तो मैं इधर लिखूंगा K Q by R square dot dr इंटीग्रेशन माइनस के साइन के साथ इंफिनिटी से लेकर R तक, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा K Q by R, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो v at surface minus v infinity का आ गया potential difference kq by r, so तो capacitance जो आएगा वो आ गया q upon kq by r, यहां से अगर आप देखो तो ये आ रहा है r by k, और k की value हम लिखेंगे तो 4 pi epsilon into r, ये आ गई capacitance इस system की, जो ये system है आइसोलेटेड स्फीयर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इसका कैपेसिटेंस निकाल दिया, और ये कैपेसिटेंस किसके बीच में बन रहा है, इंफिनिटी और सरफेस के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो रही है सरफेस से और जा कर कहां तक रही है, इंफिनिटी, तो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे उस सरफेस से लेकर कहां तक निकालेंगे, इंफिनिटी। तो इसको नोट करो जल्दी से, और अब तुम बता सकते हो कि भाई किस पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, हर एक सिस्टम का अलग अलग चीज पर डिपेंड करेगा। यहां पर जो सी आ रहा है, जो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा, पहले हम सिस्टम निकाल दें उसके बाद हम चीजों को देखें। तो जल्दी से नोट करो, टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकेंड्स। सर इस कैपेसिटेंस के आर पे डिपेंड जो हो रहा है और इसकी एबिलिटी टू होल्ड द मैक्सिमम चार्ज, इनमें कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि देखिए कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो यहां से ये क्या चीज बता रहा है कि भाई जो चार्ज आप दे रहे हो और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो उनका रेशो, तो ये रेशो देखो क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट,
ठीक है, ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो आपको चार्ज भी बढ़ाना हो। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज भी आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ क्रिएट कर सको बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आप क्या दे सकते हो, चार्ज। तो जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी है इस कंडक्टर की चार्ज को पकड़ने की, वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो इस रेशो पर डिपेंड कर रही है। और ये रेशो किस पर डिपेंड करता है, आर पर और एप्सिलॉन पर। और जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर रखोगे उतना ज्यादा आप चार्ज इस पर पुट कर सकते दे पाएंगे। आ रहा हूं मैं, अब जरा नोट डाउन करके लिखो, नोट, वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम अप टू विच, वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम अप टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स, टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर्स। इस चीज को अभी नोट डाउन करके लिखो, इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है वहां तक का हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो जैसे अगर हमें इन्फिनिटी तक दिख रही थी तो हमने कहां से कहां तक निकाला है कैपेसिटेंस, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी, आर इक्व टू आर से लेकर आर इक्व टू इन्फिनिटी तक का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, यानी कैपेसिटेंस निकाला। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हम कैपेसिटेंस निकालते हैं जहां तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखती। सर हाँ सर, मतलब सर अभी भी वो कैपेसिटेंस का मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता चला। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है जरा देखो ध्यान से, मैं अभी हटा रहा हूँ इस चीज को। फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि भाई क्यू बाई वी, फिजिकल सिग्निफिकेंस कैपेसिटेंस का ये है कि ये रेशियो डिसाइड कर रहा है मैक्सिमम चार्ज और पोटेंशियल का। यार एक बात बताओ, अगर ये चीज कांस्टेंट आनी है, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये डिपेंड किस पर करेगी, ये डिपेंड करेगी किस पर, डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ, एंड मीडियम, ठीक है, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगी क्योंकि ये कांस्टेंट है, दिस इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये मटेरियल डिपेंडेंट या फिर कंडक्टर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बनाए रखने के लिए Q और V का रेशो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम। तो अगर तुम चार्ज बढ़ा रहे हो, या फिर मैं ये कहूं कि मुझे चार्ज बढ़ाना है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, तभी मैं जाके चार्ज भी बढ़ाऊंगा और जिसके कारण मुझे कैपेसिटेंस जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिले। दोनों चीजें या तो सेम तरीके से बढ़े या सेम तरीके से घटे, तभी मुझे सी मिलेगा कांस्टेंट। यानी कैपेसिटेंस इन दोनों के रेशियो को डिसाइड करता है कि वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना। ये बात समझ में आ रही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हो, बट डिसाइड किस पे हो रहा है, इसकी ज्योमेट्री पर, यानी इसके कैपेसिटेंस, क्योंकि ये कैपेसिटेंस ही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड होता है किस पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर डायलैक्ट्रिक मीडियम, इन सब चीजों पर। तो धीरे धीरे और चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना देखो। जैसे अगर मैं कोई दूसरी चीज बताता हूँ आपको, तो जैसे हमने ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का हमने कैपेसिटेंस निकाला, और अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो जरा कैपेसिटर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई भी एक कंडक्टर लिया था जिसका नाम मैंने ए दिया है, और इस पर मैं क्यू चार्ज देता जा रहा हूं, तो ये क्यू चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल प्लस चार्ज आने वाला है। अब
अगर मैं इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में इस सरफेस का पोटेंशियल लिख लेता हूं VA, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हमने लिख लिया Q डिवाइड बाई VA माइनस V इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस आ गया हमारे पास C, जब ये अकेला था। अब कैपेसिटर क्या होता है जरा देखो, ये तो कैपेसिटर नहीं है, दिस इज नॉट अ कैपेसिटर, और इसका भी कोई कैपेसिटेंस आता है, लेकिन अब मैं कैपेसिटर बनाना चाहता हूं। देखो कैपेसिटर क्या होता है, एक कंडक्टर जो तुम्हारे पास पहले से ही था जिसको तुमने ए नाम दिया था और इसको तुमने क्यू चार्ज दे रखा था, एक और कंडक्टर लाऊंगा जिसको मैं यहां बी नाम दे रहा हूं, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं दिया था, ठीक है, तो न्यूट्रल था ये, लेकिन मैं कहां से लाया हूं इसको, कहीं बाहर से लाया और इसके बगल में रख दिया। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब मैं कैपेसिटेंस निकाल रहा था, कैपेसिटेंस कैसे निकाल रहा था, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी एट ए माइनस वी एट इंफिनिटी, ये मैं कैपेसिटेंस निकाल रहा था। अब मैं चाहता हूं कि इसकी कैपेसिटी बढ़े, नाउ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी, सो अब मैं यहां लिख रहा हूं इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, या तो Q बढ़ा दें या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें। Q हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि जितना मैक्सिमम Q देना चाहिए था हम दे चुके, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस आई है C, तो यहां पर हमने मैक्सिमम चार्ज दे दिया था Q, तो ये हमने मैक्सिमम दे दिया। अब ये अगर मैक्सिमम दे दिया, ठीक है, और अभी भी मैं और चार्ज देना चाहता हूं, यानी मैं इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तभी जाकर ये जो C है ये कांस्टेंट बना रहेगा। ये चीज समझने की कोशिश करो, मैं अगर Q और बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इस पर और चार्ज दे सकता हूं, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। इस चीज को समझने की कोशिश करो, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ा सकता हूं, दूसरे कंडक्टर की मदद से। देखो कैसे बढ़ाऊंगा मैं, इंक्रीज द कैपेसिटी, ठीक है, सो हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बाय अनदर कंडक्टर। तो जब हम दूसरा कंडक्टर लाए हैं दैट इज बी, तो अब इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा जरा ध्यान से देखो, जब हम इसको पास में लाए तो इस पर चार्ज इंड्यूस होंगे। चलो तो पहले इतना नोट कर लो, अब फिर मैं दूसरी चीजें बताऊंगा इसके आगे कि क्यों बढ़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और हम कैसे बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर। नोट डाउन करो पहले सारी चीजें सर। हाँ सर, किसी कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है ना? नहीं, कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, ऐसे स्फेरिकल ही है मतलब। एक बार समझ, ठीक है, तो सर अगर उसको हम चार्ज बढ़ाते जाएं तो फिर उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी, तो सर एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए ना चार्ज की भी, जिससे उसकी खुद की सरफेस जो है वो आयोनाइज ना हो जाए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो सर जो वैक्यूम वाला केस था सर, फिर उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो चार्ज है उस पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वहां ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है ना सर? पर सर जो ऑब्जेक्ट है, जो कंडक्टर है, ऑब्जेक्ट, हाँ ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट खुद टूट गया अगर रिपल्शन के कारण, तो अगर हम ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर वो टूट सकता है, कोई दिक्कत। तो सर फिर जो डायलेक्ट्रिक वाला केस भी था, तो उसमें हमें तो देखना पड़ेगा ना कि इसमें डायलेक्ट्रिक किसका ज्यादा है, देखना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा जो, वैसे तो हम कंडक्टर नॉन ब्रेकिंग लेते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन अगर उसने बोल दिया कि कंडक्टर ब्रेक हो सकता है अपने ही प्रेशर के कारण,
तो फिर हमें वो चीज भी कंसिडर करनी हो। और सर आयोनाइजेशन भी तो होगा सर ब्रेकिंग से मत का अलग क्या अगर सिर्फ आयोनाइजेशन ही हो जाए उसका? आयोनाइजेशन ही तो ब्रेकडाउन होता है। अच्छा सर ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। और ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, हम कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं तो कैपेसिटर के लिए दो कंडक्टर्स की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसकी मदद से मैं क्यू मैक्स को भी बढ़ा सकता हूँ, मतलब हम और चार्ज इस पर दे सकते हैं। कैसे? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बढ़ा रहा हूं जरा देखो। अगर मैं ये कंडक्टर है, दिस इज ए, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, और एक और कंडक्टर ले आया मैं बी, तो इस पर चार्ज अब इंड्यूस होंगे। इस पॉजिटिव की वजह से यहां आएगा नेगेटिव और यहां आएगा पॉजिटिव। नेट चार्ज अभी भी कितना रहेगा? जीरो। नेट चार्ज अभी भी कितना है? जीरो है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं अब निकालता हूं पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, तो अब ये अकेला वी ए नहीं आने वाला है, अब ये आएगा वी ए, इसकी मदद से वी आई, लेकिन वो आएगा नेगेटिव में, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा वी आई, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा और ये पॉजिटिव। तो वी आई वी ए माइनस वी आई एंड प्लस वी आई, ये आएगा नेगेटिव की वजह से ड्यू टू नेगेटिव, एंड ये आएगा ड्यू टू पॉजिटिव। अब मुझे बस इतना बताओ कि कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, वी आई का नेगेटिव या वी आई का पॉजिटिव? बताओ जरा इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा? मॉड वी आई जो कि नेगेटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए या पॉजिटिव वाला? ये बात समझने की कोशिश करो, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इस चीज को समझने की कोशिश करो, जो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड होता है किसी भी चार्ज की मदद से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस। हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं, एक तरीके से हम आइडिया लगा रहे हैं कि भाई ये मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि पॉजिटिव वाले का जो सेपरेशन है वो पॉजिटिव वाले से कम। तो अगर ये ज्यादा हुआ इसका मतलब है जो पोटेंशियल सरफेस पे आएगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, वो आएगा वी ए माइनस समथिंग, दैट इज वी आई डैश। ठीक है, तो वी ए माइनस समथिंग आएगा क्योंकि इन दोनों का सम क्या होने वाला है, वी आई पॉजिटिव माइनस वी आई निगेटिव, यह आएगा कैसी क्वांटिटी? एक निगेटिव क्वांटिटी, तो दैट इज इक्वल टू माइनस वी डैश। तो ये हमने लिख लिया इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई डैश। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, ठीक है, ये डिनोमिनेटर मैं अगर बात करूं तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, क्योंकि तो देखो डिनोमिनेटर सॉरी घट गया, डिनोमिनेटर अगर घटा है, ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, पहले अकेला वी ए था पर अब वी ए माइनस वी आई डैश हो गया। सर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दीजिए, ये वाली नहीं, ये पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए, हाँ ये देखो, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी और एक पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? नेगेटिव। तो हमने इस पूरी क्वांटिटी को क्या लिख लिया? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। तो ये जो चीज है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, इसको लिख लिया माइनस वी आई डैश। ये बात समझ में आ रही है हर्ष? यस सर। ठीक है, अब यह अगर हमें मिल गया पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, तो अब जरा देखो, अब अगर ये घट रहा है, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, चलो पहले ये लिखो जल्दी से फिर मैं बता रहा हूं।
पहले ये लिख लो जल्दी से। सर तो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया अब। पोटेंशियल डिफरेंस घट चुका है, देखो जरा ध्यान से, घट चुका है। यस सर। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस घट गया है। सर ये जो वी आई नेगेटिव है, इसको नेगेटिव डिनोट करने के लिए हमने माइनस आके लगा तो दिया, फिर अलग से नेगेटिव डिनोशन। नहीं तो ये इन दोनों का सम क्या आने वाला है, नेगेटिव क्वांटिटी। पर सर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। नहीं है, कहाँ है, वी आई माइनस ज्यादा है वी आई प्लस से। ओके सर। तो अगर ये माइनस फाइव है तो ये प्लस टू मान लो, तो फाइनली आना क्या वाला है, माइनस थ्री। सर हाँ सर, आपने बोला था कि सर इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस किसी एक ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट। मैं बता रहा हूँ रेशियो कांस्टेंट कब रहता, जब तुम चार्ज को बदल सकते हो। अभी हम केसेस बना रहे हैं, अभी हमने चार्ज सेम रखा दोनों केसेस में। चार्ज अगर हम सेम रख रहे हैं तो देखो कैपेसिटेंस इस वाले का ज्यादा आ रहा है और इस वाले का कम आ रहा है, मतलब पुराने केस वाले से जो कैपेसिटेंस था वो हम नए वाले केस में कैपेसिटेंस ज्यादा। सर हाँ बताओ। सर अगर पुराने वाले का केस का क्यू मैक्स रखें और नए वाले केस का भी क्यू मैक्स रखें तो फिर सी जो है वो सेम आएगा ना। बिल्कुल, फिर जो सी रहेगा, अगर तुम कैपेसिटेंस सेम रख रहे हो तो तुम्हें ये रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। चलो अभी देखते हैं, पहले ये नोट करो, हम यहां पर चार्ज सेम रख रहे हैं, इफ वी हैव द सेम चार्ज क्यू इन बोथ द केसेस। हमने सिस्टम का चार्ज नहीं बदला है, लेकिन सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है वो बदल गया। कैपेसिटेंस क्यों बदल गया, क्योंकि पहले सिर्फ एक कंडक्टर था, दो कंडक्टर आ गए तो ज्योमेट्री बदल गई। समझ चुके? हाँ जो हमने कैपेसिटेंस डिराइव किया था तो वो सिर्फ क्यू मैक्स के लिए था, वो प्रोपोर्शनैलिटी वो सिर्फ एक ही कंडक्टर के लिए था। और देखो पहले हमारे पास सिर्फ ये था तो ज्योमेट्री अकेली इसकी वजह से डिसाइड हो रही थी, पर अब हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम की ज्योमेट्री ही चेंज कर दी। तो ज्योमेट्री चेंज कर दी तो कैपेसिटेंस तो चेंज होना ही था, लेकिन हमने सिस्टम में टोटल चार्ज सेम रखा क्यू। तो मैं चाह रहा था ये चीज देखना कि अगर हम चार्ज मान लो सेम रखते तो नया वाला जो सिस्टम हम बनाएंगे उसकी पुराने वाले सिस्टम से कैपेसिटी कम आएगी या ज्यादा आएगी। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि कैपेसिटी ज्यादा आ रही। तो सर वो जो हमने कैपेसिटेंस डिराइव किया था वो जो एक सिंगल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए था। हाँ बिल्कुल। तो सर इसके लिए हमें अलग डिराइव नहीं करना पड़ेगा सर, हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ अब जो वी ए माइनस वी डैश है वो अब इन्फिनिटी रेफरेंस नहीं लेंगे हम, अब हमें इन दोनों के बीच का देखना होगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन करेंगे, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूं। हाँ अर्थ से ज्यादा हम इससे सी निकाल सकते हैं। तो देखो
यहां से साफ साफ पता चला कि एक आइसोलेटेड कंडक्टर है उससे ज्यादा कैपेसिटेंस किसका मिल रहा है हमें, एक आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है तो इससे ज्यादा कैपेसिटेंस हमें किसका मिल रहा है, दो कंडक्टर सिस्टम का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कैपेसिटेंस है तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं, द सिस्टम विच कंटेन मोर देन वन कंडक्टर, ठीक है, विच कंटेन मोर देन वन कंडक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड, या फिर विथ सम सेपरेशन इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये जो सिस्टम है इसको हम अब कैपेसिटर बोलेंगे, दिस इज अ कैपेसिटर। ये सिस्टम कैसा है, कैपेसिटर। ये भी एक कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑल्सो मेकिंग कैपेसिटर विथ अर्थ, ये अर्थ के साथ बना था, ये अर्थ के साथ बना। ये भी एक कैपेसिटर है पर ये अर्थ के साथ बना रहा है। हाँ बिल्कुल, इसमें हम अर्थिंग भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, जो भी डाउट्स आएंगे एक बार क्वेश्चंस हो जाएं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के बेसिस पर डाउट उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर चीजें थोड़ी सी साफ साफ दिखती है। तो देखो जरा ध्यान से, अंतर क्या है, एक आइसोलेटेड कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहां तक जाती है इसकी, इंफिनिटी तक, ठीक है, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। और अगर मैं कोई ऐसा कैपेसिटर रख दूं इसकी जो फील्ड होंगी वो सिर्फ यहां से यहां तक जाएंगे, तो ये जा रही है इंफिनिटी तक और ये जा रही है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक। तो दिस इज अ कैपेसिटर। अभी मैं बताता हूं ये हम कैसे बना सकते हैं, मैं थोड़ी देर में बना रहा हूं, अभी बताता हूं मैं ये सारी चीज, पहले ये नोट डाउन कर लो। जल्दी से जिसका नोट डाउन हो जाए वो मुझे बताएगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हम लिखते हैं क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट द इंफिनिटी, ठीक। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एट द सरफेस माइनस पोटेंशियल एट द इंफिनिटी, तो जब हम इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे तो इधर कितना चार्ज है, इधर क्यू है तो इधर कितना हो गया माइनस क्यू, दैट इज क्यू डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया वी ए और इस प्लेट का पोटेंशियल हो गया वी बी, तो पोटेंशियल हो गया वी ए माइनस वी बी, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वहीं तक का हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है। तो नोट डाउन कर लो जरा नीचे वाली चीजें दोनों। हाँ सर बताओ। सर कैमरा थोड़ा सा पास ले आइए। ओके दिख रहा है, सही है सर। नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ
अभी आपने कराया तो उसमें जो सेम न्यू कैपेसिटेंस न्यू आया था वो इंक्रीज हो गया था ओल्ड वाले से जो सिस्टम था, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंडक्टर ए की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। बिल्कुल हो चुकी है। तो फिर सर अब हमें से और चार्ज देंगे तो ये होल्ड कर लेगा बट आइसोलेटेड का तब नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन हो जाता। बिल्कुल सही है सर। हम अर्थिंग क्यों कर रहे हैं? अर्थिंग अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, चलो हटा रहा हूँ मैं इन सब चीजों को। वाई अर्थिंग या फिर ये सोचो कि अब हम और इंक्रीज करना चाहते हैं कैपेसिटी। To increase the capacitance of capacitor, we do earthing. देखो क्यों करते हैं? अगर मैं मान लो एक प्लेट ले लेता हूं और एक दूसरी प्लेट ले लेता हूं, इस प्लेट पर मेरे पास Q चार्ज था तो मैंने प्लेट्स इसलिए लिए क्योंकि हमें इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये इनिशियली न्यूट्रल थी तो ये क्यू चार्ज था तो इस साइड कितना हो जाएगा प्लस क्यू बाई टू, इसी तरीके से यहां पर भी कितना आ जाएगा प्लस क्यू बाई टू, यहां कितना आ जाएगा भाई माइनस का माइनस क्यू बाई टू और यहां आएगा प्लस का क्यू बाई टू। ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब मैंने इसको एक स्विच के थ्रू अर्थिंग से कनेक्ट किया तो जब मैं इसकी अर्थिंग कर दूंगा आफ्टर अर्थिंग या चलो बिफोर अर्थिंग, मैं आपसे पूछता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे बस इतना बताओ कि जब हम इस सरफेस का पोटेंशियल लिख रहे थे दैट इज बी ए, तो अब अगर मैं इस सरफेस का पोटेंशियल लिख रहा हूं पोटेंशियल एट दिस सरफेस, तो वो लिखूंगा मैं सपोज करूंगा इसका पोटेंशियल VA है, दिस इज A प्लेट एंड दिस इज B, तो VA माइनस VI जो इसकी वजह से आएगा और जो इसकी वजह से आएगा वो प्लस VI, दैट इज प्लस VI। तो जब हम कैपेसिटेंस लिखते हैं तो हम कैपेसिटेंस लिखते हैं Q डिवाइड बाय VA, अगर मैं सिर्फ इसका कैपेसिटेंस लिखता पर अब कितना आएगा Q अपॉन VA माइनस वी आई प्लस वी आई, और ये मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन वी ए माइनस वी आई डैश। क्यों लिख सकता हूं वी ए माइनस वी आई डैश? क्योंकि माइनस वी आई वाले का मैग्नीट्यूड वी आई वाले से ज्यादा है, तो ये हम जानते हैं कि माइनस वी आई वाले का मैग्नीट्यूड प्लस वी आई वाले से ज्यादा हो, ये हम पहले भी देख चुके। तो हमारा जो कैपेसिटेंस बना वो ये बना। अब मैं कैपेसिटेंस और बढ़ाना चाह रहा हूं, सपोज मैं कैपेसिटेंस और बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है? तो मुझे अगर कैपेसिटेंस और बढ़ाना है तो मुझे बस ये बताओ कि फॉर द इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ाऊं या पॉजिटिव क्वांटिटी, इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, पॉजिटिव पी आई बढ़ा दूं या नेगेटिव पी आई बढ़ाऊं? डिनोमिनेटर कम करूं या डिनोमिनेटर बढ़ाऊं? अगर मुझे कैपेसिटेंस बढ़ाना है, कैपेसिटेंस अगर मुझे बढ़ाना है तो मुझे डिनोमिनेटर कम करना हो, बिल्कुल, और डिनोमिनेटर अगर कम करना है तो मुझे नेगेटिव क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। नेगेटिव क्वांटिटी को बढ़ाना होगा और पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाना होगा। पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाना होगा तभी मेरा डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ेगा। तो मैं इस पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाना चाहता हूं, कहां तक घटा सकता हूं? जीरो। नेगेटिव क्वांटिटी को तो मैं कुछ नहीं कर सकता लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी को घटा सकता हूं और नेगेटिव क्वांटिटी को भी बढ़ा सकता हूं।
तो देखो अगर मैं पॉजिटिव को घटाना चाहता हूं तो पहले ये नोट कर लो जल्दी से, पहले जल्दी से ये नोट कर लो, फिर मैं इसी के ऊपर बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये, अगर समझ में आ गया तो कैपेसिटेंस में कुछ नहीं रखा। शुरू के दो तीन लेक्चर ही होते हैं जो समझने वाले होते हैं, फिर तो बस एप्लीकेशन चलता रहता है। लास्ट 10 सेकेंड्स, लिख लो जल्दी से वैष्णवी। लास्ट लाइन ये है, कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर कम करना होगा, डिनोमिनेटर अगर कम करना है तो नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ानी होगी और पॉजिटिव क्वांटिटी घटानी होगी। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। तो देखो कैपेसिटेंस जो आया था दैट इज क्यू अपॉन VA माइनस बी आई डैश, सॉरी प्लस बी आई। तो मैं नेगेटिव क्वांटिटी को बढ़ाना चाहूंगा और पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाना चाहूंगा, तब जाके मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो। सो टू मेक द पॉजिटिव वी आई, टू मेक द पॉजिटिव वी आई जीरो, पॉजिटिव वी आई अगर मेरे को जीरो करना है तो मुझे द पॉजिटिव चार्ज ऑन दी प्लेट डी हैज टू बी जीरो, ये मुझे जीरो करना होगा। पॉजिटिव चार्ज जो प्लेट बी पर है वो मुझे जीरो करना होगा, तभी मुझे डी आई जीरो मिलेगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, बी आई अगर जीरो करना है तो पॉजिटिव चार्ज को जीरो कर दो। जीरो हम कैसे करेंगे, इसको ग्राउंड कर दो, इसको कर दो ग्राउंड। ये बी प्लेट है, इसको अगर हम ग्राउंड करेंगे तो देखो जैसे ही ग्राउंड करते हैं, जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो मुझे बताओ इन्फिनिटी और ये वाला जो सरफेस है इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसके बीच में? इन्फिनिटी और चार्ज के बीच में, पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई है तो यहां का चार्ज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सोचने की कोशिश करो, और अगर मैं यहां से देखूं तो मैं जब गॉस लॉ यूज करता हूं तो मैंने आपको बताया था अंदर का जीरो होना चाहिए फील्ड कंडक्टर के अंदर, और ये भी बताया था कि जो चार्ज यहां होगा वही चार्ज यहां पर भी होगा। तो अगर यहां का चार्ज जीरो हुआ है तो यहां का भी चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, यानी इस साइड का चार्ज भी जीरो हो जाएगा। ये चीज समझने की कोशिश करो, दोनों तरफ के चार्ज क्या हो चुके हैं? जीरो। सर दूसरी साइड तो नेगेटिव चार्ज, यहां पर प्लस था, यहां पर भी प्लस था, तो ये ए प्लेट है। ओके सर, तो मैंने ए बी को जैसे ही मैं अर्थिंग कर रहा हूं इस वाले चार्ज को भी जीरो करना हो तो यहां पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? फिर यहां पर जो टोटल चार्ज मिलेगा वो फिर पूरा का पूरा कितना मिलेगा? कैपिटल क्यू। और यहां पर टोटल चार्ज कितना मिलेगा? फिर माइनस क्यू।
इस चीज को समझने की कोशिश करो। और यहां अगर माइनस क्यू आ गया है, इसका मतलब क्या है कि जो वी आई का नेगेटिव वाला पोर्शन है वो बढ़ गया। सर ये ए पे लेफ्ट साइड में जीरो क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। अरे तुम्हें बताया था गॉस लॉ के, जब मैं यहाँ पॉइंट पर फील्ड देखूंगा तो देखो अंदर के चार्जेस की फील्ड तो बाहर आएगी नहीं, सिर्फ ये वाले चार्ज की बचती है और ये वाले चार्ज की। तो अगर ये चार्ज जीरो हो गया तो यहाँ फील्ड जीरो बनाने के लिए इसको तो क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। यस सर। तो इसीलिए जो चार्ज यहाँ होता है वही चार्ज यहाँ आउटर पे भी होता है, ये चीज मैंने लिखवाई। तो अब वी आई अगर हमारा बढ़ गया, वी आई निगेटिव अगर हमारा बढ़ गया तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमारा डिनोमिनेटर घट चुका है। सर एक लेफ्ट साइड पे तो चार्ज रहेगा ना, क्या हो गया? एक लेफ्ट साइड पे चार्ज रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, नहीं इस साइड तो नहीं रहेगा, राइट साइड में इस साइड रहेगा प्लस क्यू, इस साइड हो जाएगा जीरो। दो मैं जीरो ही बना देता हूँ, यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा, यहां पर भी कोई चार्ज नहीं। सर बी तो न्यूट्रल नहीं रह पाए, क्या कह रहे हो? हाँ बी न्यूट्रल नहीं रहा क्योंकि अर्थिंग के कारण चार्ज ट्रांसफर हो चुके हैं। बी अब न्यूट्रल नहीं रहा। तो हटा रहा हूं मैं इस चीज को, देखो मैं एक बार फाइनली बता देता हूं क्या किया है हमने। हमने पहले मेटलिक प्लेट थी तो यहां क्यू चार्ज दिया था तो इधर आ गया था प्लस क्यू बाई टू, इसी तरीके से यहां प्लस क्यू बाई टू, यहां माइनस क्यू बाई टू, तो यहां प्लस क्यू बाई टू, पर अर्थिंग से अभी कनेक्ट नहीं किया गया। लेकिन जब हमने कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बच रहा है वो कुछ ऐसा बच रहा है, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, ये अर्थिंग कर दी, यहाँ माइनस क्यू आ गया, यहाँ प्लस क्यू आ गया, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी के अंदर है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी थी, अंदर भी थी और इस साइड भी थी। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो चुकी है। तो देखो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस था दैट इज वी आई निगेटिव वो बढ़ गया। ठीक है, जो कि यहां था वो कम था, या क्यू बाई टू है या माइनस क्यू। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो हमने टोटल चार्ज रख दिया दैट इज क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी आई, मतलब वी एट ए, इसको हमने ए नाम दिया इसको बी, माइनस वी आई प्लस वी आई। तो प्लस वी आई तो क्या हो गया, जीरो, और माइनस वी आई हो गया इंक्रीज। ठीक, तो जिसकी मदद से कैपेसिटेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये था फाइनली जो हमने अभी अभी समझा कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब हम अर्थिंग कर देते। तो अर्थिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज का जब इम्पैक्ट हटा दोगे तो आपकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गई तो सेम चार्ज के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस बढ़ गई। चलो तो ये था कैपेसिटर, और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, अर्थिंग का हमने कंसेप्ट देखा, और अब हम कैपेसिटर। हाँ जी सर, फ्रेम हेयर। यस सर, दो मिनट जरा रुकूंगा। हाँ हाँ भाई, जरा पांच मिनट की आप लोगों से सभी से बात करनी थी, बात नहीं हो पा रही। तो सर वैसे 45 तक क्लास है ना इनकी, 145। यस सर, तो अगर बाइंड अप करना चाहे तो अभी कर दीजिए, 10 मिनट में जरा बात करना चाह रहा था इनसे। अच्छा
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बात कर लीजिए। कोई होमवर्क वगैरह देना तो आप दे दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ इन लोगों को। देखो होमवर्क मैंने बुकलेट दे दी है इनको, वैसे ग्रुप पे डाल दिया, बुकलेट दे दिया। ठीक है सर, तो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि अगली क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अभी तक जितना भी तुमने कैपेसिटेंस में पढ़ा वो एक बार पढ़ना है। तो अगली क्लास में शुरुआत के 5 मिनट में डाउट्स लूंगा, जिसको भी डाउट है इन चीजों में वो मुझसे पूछेगा अगली क्लास में। और जो 2-4 questions, जो 20 questions रह गए हैं मेंस के, उनमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे नहीं, सारे क्वेश्चन में पहले ही बोल रहा हूँ डिटेल डिस्कशन नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस जो उनमें चुनिंदा होंगे उनको हम डिटेल में देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क है आपका एससीवी आपको रीड करनी है कैपेसिटेंस की, जहां तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव लेवल्स ट्राई करते हैं। ठीक है सर, ओके सर, यस ऑल ऑफ यू, 5-10 मिनट कुछ चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लानिंग भी कर दी है। पहले कल के टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा सबसे बात करना चाहूँगा और उस टेस्ट के बेसिस पे कुछ पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन बच्चा है क्लास में। यस चंद्र का अनम्यूट करो। चंद्र का अनम्यूट करेगी आप? नहीं करेंगे। इस सिंगल? यस सर। कल टेस्ट दिया था ये आपने? दिया था सर। कितने मार्क्स आए थे? 236 आए। 236 आए, ओके। कैसा लगा टेस्ट का लेवल कैसा था? सही था सर, मैथ का थोड़ा आई था वैसे। मैथ्स का थोड़ा आई था, मैथ्स में कितने आए फिर आपके? 74 आए सर। हाई था तो मार्क्स कितने आए इस? 74 तो एक तरह से 74% मार्क्स आपके आ गए। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना इतना है आपका? सर फिजिक्स में 85 है और सर उसमें 77 है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 77 और फिजिक्स में 85 है सर। 85, ओके। ओवरऑल कितने घंटे घर पे पढ़ाई कर रहे हो? सर 6-7 आवर जाता है कभी। 6-7 आवर हो जाता है, ओके। ठीक है, ठीक है, अनम्यूट कर दिया। यस अनुराग। यस सर। अनुराग स्कोर 248। यस सर। मैथ में 90। लेवल कैसा था पेपर का? अच्छा था सर। क्या लग रहा है वैसे कि इस तरह जो टेस्ट अभी हो रहे हैं घर बैठ के, तो ईमानदारी से आपको दे पा रहे हैं आप लोग? मैं सभी स्टूडेंट का आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ। हम तो दे रहे हैं। आप दे रहे हैं, वैसे क्या लग रहा है बहुत से बच्चे दे पा, सब लोग दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे? वैसे मैं सभी लोगों का, मुझे कुछ के मार्क्स में, अभी हम लोग दूसरा तरीका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ अगले 15 डेज में अगले संडे फील्ड टेस्ट होगा, इस संडे को छोड़ के अगले संडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ लोग है ना फर्जी मार्क्स भेज रहे हैं। अब मैं इस पर श्योर नहीं हूँ कि करेक्ट भी मार्क्स आप भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं, कुछ लोगों को मुझे डाउट्स हैं। उस डाउट को खत्म करने के लिए हम लोगों ने आप सिर्फ आप OMR भेजेंगे, हम चेकिंग OMR की इमेज के थ्रू आंसर की खुद पहले जब आप सभी की OMR आ जाएगी उसके बाद में आंसर की आपको शेयर करेंगे। अच्छा अनुराग बताइए केमिकल काइनेटिक्स कैसा चल रहा है आपका, कैसा समझ में आ रहा है? बढ़िया आ रहा है। बढ़िया समझ में आ रहा है। और अभी आइसोमेरिज में जितना हुआ है वो समझ में आया है ओवरऑल आपके? यस सर। सीट आइसोमेरिज की क्या डिस्कस हो चुकी है? चल रही थी सर, थोड़ी रह गई है। थोड़ी रह गई है, मतलब मेंस और एडवांस रह गए हैं या सीट में कुछ और पार्ट रह गया, क्या रह गया? रह गया मेंस एडवांस भी रह गया, एक्सरसाइज 3 कह रहे हैं। एक्सरसाइज 3 भी रहेगी, ओके ओके, ठीक है म्यूट कर लीजिए। आरुषी गर्ग अनम्यूट करो बेटा, आयुषी सॉरी आरुषी बोलो।
यस सर। कल कितना स्कोर आया इसके आपका? सर 177। 177। ओके अभी तक ऑनलाइन जितना स्टडी हुई है, अभी तक इतना पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन क्लास हुई है, तो क्या लग रहा है, मतलब समझ में आ रही है ओवरऑल चीजें? यस सर। ओके ठीक है। अच्छा एनीवन कोई मुझे बताएगा, जैसे कि इस क्लास स्टार्ट होती है, इशू बहुत बार बार चल रहा है कि क्लास स्टार्ट होने के, जैसे अभी क्लास खत्म होने जा रही है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ज्वाइनिंग पे रहते हैं या मिड में रहते हैं वो धीरे धीरे जब कम हो जाते हैं, तो ओवरऑल कितना कंज्यूम हो जाता है आप लोगों का नेट? जैसे अगर मैं बात करूँ ध्रुवजन, आप बताओ। सर मेरे यहाँ तो वाईफाई है तो इतना पता नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता है। चलो कोई बात नहीं, विभोर जन तक बताओ। विभोर जनरल को आवाज नहीं आ रही। अच्छा पीयूष गौड़, डेढ़ एमबी, मतलब आज सुबह जो स्काईसर की क्लास हुई और ये जो क्लास हुई है, इन दोनों क्लास को मिला के 800 MB आपका यूज हो चुका है? नहीं सर, आज तो ज्यादा हो गया है। लगभग कितना कोई बता पाएगा, कोई इस तरह का एनालाइज कर पा रहा है या कोई है उसको फिगर? सर जिस दिन बेस की क्लास होती है उस दिन 1200 MB खर्च हो जाता है, और जिस दिन नॉर्मल क्लासेस लगती हैं उस दिन अप्रोक्सीमेट 950 MB तक का आता है, मतलब 1000। यस आज 4 घंटे की क्लास में सर 1 GB खर्च हो गया। 1 GB तो मेरे ख्याल से जो आपने प्लान ले रखा होगा सभी लोगों ने, और जो भी ऑपरेटर है चाहे एयरटेल है जियो है, सब 1.5 GB दे रहे ना पर डे का? यस सर। मेरी ये समझ में नहीं आता, बाकी लोग जो इशू बताते हैं कि हमारा डेटा पैक चला गया या खर्च हो गया, वो कैसे हो जाता है, ये बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। सर डेटा पैक खत्म नहीं होता। तो फिर सर वो किसी वैसे और ही हट जाते करते होंगे। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि वो जो यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं और एक्टिविटी में भी अपना मोबाइल या फिर डेटा यूज कर रहे हैं वो क्लास के लिए। आप लोग जो भी क्लास में अभी जो भी 67-65 स्टूडेंट क्लास में भी मौजूद है, मैं सभी से आप लोगों के लिए, हमारी क्लास के बाद में पहले बात हो रही थी अभी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपसे खासकर नेट के लिए बोलूंगा कि आने वाली सिचुएशन हो सकती है 1 मंथ या 1.5 मंथ, आने 1 महीना 1.5 महीना कुछ नहीं पता कि इस तरह से चलने वाला है कि ऑफलाइन होंगी या फिर ऑनलाइन चलेंगी। इसलिए प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए कि क्लास स्टार्टिंग से लेके क्लास लास्ट तक आपको क्लास में मौजूद है। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्लास का डेकोरम आपकी अच्छी तरह क्लास हो, क्लास में सीट डिस्कस हो रही है, इसके अलावा PCM वाइज एक एक दिन हम लोगों ने डाउट के लिए अलग भी डिसाइड किया है कि एक दिन आपको फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन मैथ का वीकली PCM का डाउट मिलेगा, जो क्लास में डिस्कशन के अलावा भी कुछ लोग अलग से कुछ कर रहे हैं और डाउट लेना चाहते हैं वो डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनली कोई डाउट है, वो पर्सनली ऐसी चीजें हैं जो क्लास या डाउट सेशन में भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इंडिविजुअल मेरे को या राजकुमार सर को, दोनों में से किसी को कॉल कर सकता है, सभी के पास में फ़ोन नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपके लिए कोई अलग से हमें स्लॉट भी देना हो जिससे कि आपको किसी भी लेवल पे दिक्कत आ रही है वो अगर कहीं ना कहीं दूर करनी हो तो वो दूर भी कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग बार बार एक ग्रुप में डालते हैं कि सर वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, हमारा नेट प्लान खत्म हो गया, हम वीडियो लेक्चर। मैं पता है आपको इस सुनकर मैं पिछले 25 दिन से ऐसे बच्चों की मैंने लिस्ट बनाई जिनका प्लान खत्म होता है हमेशा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 60 बच्चे उसमें नहीं है, ओनली वो 20 बच्चे हैं जो घूम फिर के वो ये बात रिपीट करते रहते हैं। मैं आप कई बच्चों का नाम लूंगा जिनको कभी आपने ग्रुप में इस तरह की चैट करते हुए या मांगते हुए नहीं देखा होगा। जैसे मैं क्लास के आपके कुछ बच्चों के नाम ले लेता हूँ, जैसे वो कई बच्चे हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपके यहाँ के इस टेस्ट में भी टॉप किया अनुराग ने, अनुराग तुम्हारे लिए कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा नेट प्लान खत्म हो गया या तुम नहीं देख पा रहे हो चीजें? नहीं सर, दूसरे फोन से हॉटस्पॉट ले रहा हूँ। हाँ जी, इन्होंने अल्टरनेट बताया कि मैं दूसरे फोन से ऐड हो जाता हूँ सर। तो बेटा आप लोग जो भी लोग के साथ में जो इशू आ रहा है, कम से कम आपको
इतना तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि आप कोई दूसरा फोन अरेंज कर लें या इंटरनेट प्लान अरेंज कर लें विदाउट इसमें हम लोग आपकी किसी तरह की अब रेसो सोनी देखो अब कितने तरह के लोग टैलेंटेड है कि रेसो सोनी साथ में मेरे बैठेंगे और है ना शेयर स्क्रीन कर रहे हैं रेसोनी मुझे यहाँ पे समझ में आता है टीचर को ना समझ में आए आप क्यों शेयर कर रहे थे स्क्रीन इस तरह की चीजें नहीं करो बेटा आप लोग की स्टडी बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण पड़ाव पर है आप मान सकते हैं आपको आने वाले मेरे ख्याल मे भी निकला जा रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आफ्टर 7 मंथ आपको जेईई मेंस का पेपर देना ही देना है आप ये मत सोचिए कि अभी जो डिले हो रहा है वो आपके लिए भी डिले होगा आपके लिए कोई डिले नहीं होने वाला आपका पेपर जैन में ही होगा तो आपको हमारा टारगेट है कि अक्टूबर में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाए नवंबर दिसंबर में 2 महीने का बहुत अच्छी तरह मेंस के लिए रिवीजन आपको मिले काफी चीजें आपके साथ में होनी लेकिन उसके लिए जरूरी है आप कम से कम नेट पे जो आपका पार्ट है कहीं ना कहीं जिस तरह से इंस्टीट्यूट में जब ऑफलाइन क्लास होती है और इंस्टीट्यूट में आना आपका पार्ट है कि आपको इंस्टीट्यूट में